आज की हमारी फिल्म एक एनिमेटेड फिल्म है जिसका नाम है बिग हीरो 6। सैन फ्रांसिस्को में बहुत लोग जमा होकर एक रोबोट फाइट में हिस्सा ले रहे थे। वहाँ एक लड़का यामा सब फाइट्स जीत रहा था और लोगों को चैलेंज कर रहा था कि उसके साथ आकर कोई फाइट करे। फाइनली एक लड़का सामने आता है, उसका नाम हीरो हमादा होता है और वो बस 14 साल का होता है। हीरो का रोबोट बहुत छोटा होता है और उस पे सब हंसने लगते हैं। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, यामा का रोबोट हीरो को हरा देता है। हीरो हार नहीं मानता और वो रीमैच के लिए चैलेंज करता है। अब रीमैच शुरू होता है और हीरो दिखा देता है कि उसका रोबोट छोटा जरूर है पर बहुत ताकतवर है। वो रोबोट खुद को ही रिपेयर कर सकता था। हीरो का रोबोट यामा के बड़े रोबोट को हरा देता है, जिस पर यामा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद हीरो अपनी प्राइस कलेक्ट करता है और वापस जा रहा होता है, पर यामा उसे धमकी देता है कि वो गुंडे लेकर आएगा। हीरो को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई तदाशी अपनी बाइक लेकर आता है। वो हीरो को वहां से ले जाता है और वो बहुत तेजी से वहां से निकल जाता है, पर उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि हीरो ने इस रोबोट फाइट में बेट लगाई होती है। उनको जेल से निकालने के लिए उनकी आंटी केस आती है और वो बेल दे देती है। वो उन्हें गाड़ी में घर ले जाती है और वो उन दोनों के साथ घर जाते हैं। हीरो और तदाशी पिछले 10 साल से अपनी आंटी के पास ही रह रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद तदाशी हीरो से पूछते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल 13 साल की उम्र में पास कर ली थी। इसके बाद तदाशी हीरो को अपने कॉलेज सैन फ्रांसिस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले जाते हैं, जहाँ हीरो तदाशी के दोस्तों से मिलता है। वो हीरो को अपने दोस्त गोगो से मिलवाते हैं, जिसने एक खास मोटरसाइकिल बनाई होती है। इस मोटरसाइकिल के व्हील्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। फिर वो उसे वसाबी से मिलवाते हैं, जो प्लाज्मा लेजर पर काम कर रहे होते हैं। वो हनी लेमन से भी मिलते हैं, जो वहाँ एक बड़ा सा पिंक स्मोक का बबल बना रही होती है। आखिर में वो फ्रेड से मिलते हैं, जिन्हें साइंस में काफी इंटरेस्ट होता है। इसके बाद तदाशी हीरो को एक रूम में ले जाते हैं और उसकी बाजू पे टेप चिपका देते हैं और फिर बहुत जोर से उस टेप को खींच देते हैं। हीरो को दर्द होता है और वो चिल्लाता है। तदाशी फिर हीरो को अपने हेल्थ केयर रोबोट बेमैक्स से मिलवाते हैं, जो हीरो के पेन को डिटेक्ट करके ये एसेस करता है कि हीरो को कितना पेन हो रहा है। उसी पेन के हिसाब से वो पेन को ठीक करने का तरीका भी बताता है। जब हीरो की पेन चली जाती है, बेमैक्स डीएक्टिवेट होता है। इसके बाद वहाँ प्रोफेसर रॉबर्ट कैलाघन आते हैं, जिन्हें हीरो पहचान लेता है क्योंकि वो उनकी रिसर्च फॉलो करता है। हीरो तय करता है कि वो भी इसी कॉलेज में आना चाहता है और तदाशी उससे बोलता है कि अगर वो इस कॉलेज में आना चाहता है तो उसे प्रोफेसर कैलाघन को इम्प्रेस करना होगा और उसके लिए उसे अपनी कोई इन्वेंशन कॉलेज के इवेंट में दिखानी होगी। हीरो बहुत मेहनत करना शुरू करता है ताकि वो कोई इन्वेंशन कर पाए। वो बहुत टाइम तदाशी के फ्रेंड्स के साथ उनकी लैब में बिता रहा था ताकि उसे समझ में आए कि वो क्या कर सकता है। फाइनली वो कुछ इन्वेंट कर पाता है और कॉलेज के इवेंट में जाने के लिए तैयार होता है। तदाशी के सभी फ्रेंड्स और हीरो एक साथ इवेंट के लिए आते हैं और हीरो काफी टेंशन में होता है। फाइनली वो स्टेज पर जाके इन्वेंशन दिखाने के लिए रेडी होता है। हीरो का इन्वेंशन एक माइक्रो रोबोट्स का झुंड होता है, जो एक दूसरे से लिंक होके कोई भी अरेंजमेंट में खुद को सेट करते हैं। हीरो इन माइक्रो रोबोट्स को अपने हैंडसेट से कंट्रोल करता है, जो असल में न्यूरोट्रांसमीटर से कंट्रोल हो रहे होते हैं। हीरो इन माइक्रोबोट से कभी बिल्डिंग बनाता है तो कभी उनसे हाथ बना देता है। सब वो देखकर हैरान होते हैं कि आखिर इन छोटे बच्चों ने ये कैसे बना दिया। हीरो के पास क्रीटेक कंपनी का हेड आता है, जो उसे अपनी इन्वेंशन बेचने को बोलता है, पर हीरो मना कर देता है। इसके बाद हीरो के पास प्रोफेसर कैलाघन आते हैं, जो उसे एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि हीरो कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। बाद में हीरो अपने भाई तदाशी के साथ बाहर होता है, वो उसे थैंक यू बोल रहा होता है। तभी उन दोनों को अचानक से कॉलेज में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से भाग कर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वो देखते हैं कि कॉलेज में एक भयंकर आग लग गई होती है। तदाशी देखते हैं कि बिल्डिंग में अभी भी प्रोफेसर कैलाघन बंद होते हैं और वो उन्हें बचाने के लिए आगे जाते हैं। उसी टाइम एक ब्लास्ट होता है और तदाशी और प्रोफेसर कैलाघन की मौत हो जाती है। उन दोनों के लिए फ्यूनरल अरेंज किया जाता है। सब लोग हीरो के घर उसकी आंटी और हीरो को कॉन्डोलेंस दे रहे होते हैं। हीरो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सच था। कुछ दिनों बाद हीरो अपने कमरे में होता है और उसके पैर में एक बॉटल गिरती है, जिससे उसे पेन होती है। इस वजह से तदाशी का रोबोट बेमैक्स एक्टिव हो जाता है और हीरो की हेल्प करने की कोशिश करता है। बेमैक्स नोटिस करता है कि हीरो का आखिरी बचा हुआ माइक्रोबोट डब्बे में एक्टिवेट हुआ है और एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था। बेमैक्स उसे लेकर बाहर जाता है और डायरेक्शन फॉलो करता है। हीरो भी उसके पीछे पीछे जाता है।
वो दोनों एक वेयरहाउस के पास पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि हीरो का माइक्रोबोट किसी और के हजारों माइक्रोबॉट से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वो हजारों माइक्रोबॉट्स हीरो और बेमैक्स पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो देखते हैं कि इन सब माइक्रोबॉट्स को एक आदमी कंट्रोल कर रहा होता है, पर उसका चेहरा वो नहीं देख पाए हैं क्योंकि उसने मास्क पहना होता है। वो उस वेयरहाउस से बचकर निकल जाते हैं। हीरो और बेमैक्स पुलिस स्टेशन जाते हैं ताकि वो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सके, पर पुलिस ऑफिसर उनकी बात बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हीरो और बेमैक्स वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों घर जाते हैं और हीरो तय करता है कि उसे इस मास्क वाले इंसान को पकड़ना होगा, वरना वो और तबाही करेगा। बेमैक्स हीरो का साथ देने का तय करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हीरो की मेंटल स्टेट ठीक हो। हीरो अब बेमैक्स के लिए एक सूट बनाता है जो उसे प्रोटेक्शन देगा। हीरो एक चिप भी बनाता है जिसमें फाइटिंग टेक्निक्स स्टोर्ड होती है। वो चिप वो बेमैक्स में इंसर्ट करता है जिससे बेमैक्स वो सारी टेक्निक्स और स्किल्स सीख जाता है। वो दोनों अब वेयरहाउस पर जाने के लिए तैयार होते हैं। जब वो वेयरहाउस पहुंचते हैं तो वहां गोगो, वसाबी, हनी लेमन और फ्रेड गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। उन चारों को बेमैक्स ने बुलाया होता है क्योंकि वो हीरो की इमोशनल पेन कम करना चाहता है। वेयरहाउस के पास माइक्रोबॉट्स के झुंड ने उन पर फिर से हमला कर दिया और मास्क वाला विलन उन सब माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल कर रहा था। बेमैक्स आगे जाकर लड़ने की कोशिश करता है, पर वो माइक्रोबॉट्स उसे हवा में फेंक देते हैं। वो सब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से भागते हैं। वो विलन उनका पीछा कर रहा होता है और तभी गोगो एक्सीलेटर प्रेस करता है ताकि वो बच सके। वो विलन से बच जाते हैं पर उनकी गाड़ी जाकर नदी में गिर जाती है। बेमैक्स उन सबको बचा लेता है क्योंकि वो पानी में फ्लोट कर सकता था। अब वो सब फ्रेड के घर जाते हैं जो एक बड़ा मैंशन होता है। वहाँ मॉन्स्टर्स के स्टैच्यूज और बहुत सारी कॉमिक बुक्स रखी होती है। वहाँ फ्रेड को रियलाइज होता है कि वो विलन कैरी टेक कंपनी का हेड एलिस्टर कैरी हो सकता है, जिसने कॉलेज के इवेंट पे हीरो से वो माइक्रोबॉट्स की डील की थी। उन्हें समझ आता है कि एलिस्टर ने ही कॉलेज में आग लगाई होगी ताकि वो सब माइक्रोबॉट्स को चुरा सके। तभी बेमैक्स उन्हें बताता है कि जब वो विलन के साथ लड़ाई कर रहा था तब उसने उससे स्कैन कर लिया था और उसके पास एक रीडिंग है जो उन्हें विलन को ढूंढने में मदद करेगी। अब हीरो सबके लिए सूट बनाता है ताकि वो उस विलन से लड़ सके। उन सबका प्लान होता है विलन का मास्क उतारने का ताकि वो उसका छुपा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर ढूंढ सके। हनी लेमन का वेपन टंगस्टन कार्बाइड की बॉल्स थी जो फॉर्म बनाती थी जिससे विलन को पकड़ा जा सकता था। गोगो के पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रोलर ब्लेड्स थे और वसाबी पर एक लेजर था। फ्रेड के लेस सूट जो उन्हें बहुत ऊंची जंप करने में मदद करते और मुंह से आग भी छोड़ते। हीरो अपने और बेमैक्स के लिए एक सूट बनाता है जिसकी मदद से वो दोनों उड़ सकते थे। बेमैक्स नोटिस करता है कि फाइनली हीरो का इमोशनल स्टेट इम्प्रूव हो रहा था। हीरो और बेमैक्स उड़कर ऊपर से जाते हैं और बेमैक्स नोटिस करता है कि उसे एक इंसान मिल गया है जिसकी रीडिंग विलन की रीडिंग से मैच कर रही थी और वो एक आइलैंड पर था। बेमैक्स उन सबको लेकर उस आइलैंड पर जाता है और वहां उन्हें एक लेबोरेटरी मिलती है जहां मशीनरी टूटी हुई थी। वहां पर एक सीसीटीवी लगा होता है जिसमें कैरी और उनकी टीम टेलीपोर्टेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वहां एक औरत को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। वो औरत एक पोर्टल के अंदर जाती है पर कुछ गड़बड़ी की वजह से वो पोर्टल सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से उसको सब कुछ बंद करना पड़ता है और वो औरत उस पोर्टल में बंद हो जाती है। हीरो और उसके साथियों को लगता है कि कैरी ही असली विलन है और उसने माइक्रोबॉट्स इसीलिए चुराए थे क्योंकि वो अपनी टूटी हुई मशीनरी को ठीक करना चाहता था। पर तभी अचानक से असली विलन उन पर हमला कर देता है और तब उन्हें समझ आता है कि कैरी विलन नहीं है। वो सब अब विलन से लड़ने लगते हैं पर वो विलन उन सबको मार रहा था। फाइनली किसी तरह बेमैक्स और हीरो उस विलन को गिराकर उसका मास्क खींच लेते हैं। पता चलता है कि वो विलन कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कैलिगन थे। वो सब हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि प्रोफेसर कैलिगन जिंदा थे। वो सब उनसे पूछते हैं कि वो जिंदा कैसे हैं। वो बताते हैं कि उन्हीं ने वो आग लगाई थी माइक्रोबॉट्स को चुराने के लिए और खुद को आग से बचाने के लिए वो हेडसेट लगाया था जिससे उन्होंने अपने इर्द गिर्द माइक्रोबॉट्स का शील्ड बना दिया जिससे वो बच गए। हीरो उन्हें बताता है कि उनकी वजह से तदाशी मर गया, जिस पर प्रोफेसर कैलिगन बोलते हैं कि तदाशी की खुद की गलती है। इस बात पर हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो बेमैक्स की हेल्थ केयर चिप निकाल देता है और बेमैक्स को बोलता है कि प्रोफेसर कैलिगन को मार दे। उसी वक्त हीरो के बाकी साथी उन्हें ये करने से रोकते हैं और हनी जल्दी से हेल्थ केयर चिप बेमैक्स को वापस लगाती है। इस सब के बीच प्रोफेसर कैलिगन वहां से भाग जाते हैं।
हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो बेमैक्स के साथ घर जाता है। घर जाके हीरो फिर से बेमैक्स की हेल्थ केयर चिप निकालने की कोशिश करता है, पर बेमैक्स वो पोर्ट बंद कर देता है और बोलता है कि तदाशी ये नहीं चाहता था। हीरो रोने लगता है और बोलता है कि तदाशी चला गया है। इस बात पर बेमैक्स हीरो को तदाशी की वीडियोस दिखाता है जब वो बेमैक्स को बना रहा था। ये देखकर हीरो बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। तभी बाकी चार फ्रेंड्स भी उसके घर पहुंचते हैं और उसे हग करते हैं। वो उसे बताते हैं कि कैलेगन को सही तरीके से पकड़ने में वो उसका पूरा साथ देंगे। फिर हनी एक वीडियो दिखाती है जो उन्हें लेबोरेटरी में मिला था। उससे उन्हें पता चलता है कि वो लड़की जो कैरी के टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट में मर गई थी, वो प्रोफेसर कैलेगन की बेटी एबिगेल थी और कैलेगन उनकी मौत का बदला कैरी से लेना चाहता है। कैलेगन कैरी के इवेंट में पहुंचता है और उन पर हमला करता है। कैलेगन कैरी की सारी बिल्डिंग तोड़ देता है और टेलीपोर्टेशन पोर्टल ऑन करके सब कुछ उस पोर्टल की तरफ खींचने जा रहा था। कैलेगन कैरी को भी पोर्टल में पकड़ने वाला था, पर हीरो और उसके सभी साथी टाइम पर उसे बचा लेते हैं। वो कैलेगन का ध्यान बटा देते हैं और उसके माइक्रोबोट्स को पोर्टल में फेंक देते हैं ताकि कैलेगन के पास कुछ ना रहे। कुछ देर बाद वो पोर्टल जमीन पर आता है। तभी बेमैक्स बताता है कि वो पोर्टल में किसी फीमेल को सेंस कर सकता है। उन्हें पता चलता है कि कैलेगन की बेटी एबिगेल पोर्टल में हाइपर स्लीप में होती है, यानी कि वो जिंदा है। हीरो बेमैक्स को लेकर पोर्टल में जाकर उसे बचा लेता है। वो देखते हैं कि एबिगेल का स्लीपिंग पॉड डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि कैरी की बिल्डिंग उसमें खींची चली गई थी। जब वो पोर्टल में अंदर जाते हैं, एक बिल्डिंग का बड़ा टुकड़ा बेमैक्स से टकराता है जिसकी वजह से उसका आधा शील्ड टूट जाता है और उसका रॉकेट भी टूट जाता है। अब बेमैक्स उन तीनों को वहां से निकाल नहीं सकता था। बेमैक्स उन्हें बोलता है कि वो हीरो और एबिगेल को अपने रॉकेट से बाहर पुश कर सकता है, पर वो खुद बाहर नहीं आ पाएगा और हीरो को बेमैक्स को बाय बोलना पड़ेगा। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और दिल पर पत्थर रख के बेमैक्स को छोड़ देता है। हीरो और एबिगेल पोर्टल से बाहर आते हैं और एबिगेल की जान बच जाती है। इसके बाद कैलेगन को अरेस्ट करते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो जेल में होगा और अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा। कुछ दिनों बाद हीरो को अपने कमरे में बेमैक्स की हेल्थ केयर चिप मिलती है जिससे वो बेमैक्स को रीबिल्ड करता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। आपने इस मूवी से डिफरेंट रोबोट्स के बारे में सीखा जो कि फ्यूचर में बन सकते हैं। जैसे बेमैक्स एक ऐसा रोबोट था जो इंसानों के पेन को डिटेक्ट करके उन्हें ठीक कर देता था। माइक्रोबोट्स इंसानों के इशारों पर कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता था। आपने टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट भी सीखा। टेलीपोर्टेशन का मतलब है इंसान को एक जगह से दूसरी जगह बिना ट्रैवलिंग के पहुंचा देना, जैसे एबिगेल को एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल तक पहुंचा रहे थे। अभी टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है और ये अभी बस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आपने ये भी सीखा कि साइंस का इस्तेमाल इंसान दुनिया की भलाई के लिए कर सकता है और साथ ही साथ दुनिया को बर्बाद भी कर सकता है। जैसे कि बेमैक्स इंसानों के लिए काफी यूजफुल था, लेकिन माइक्रोबॉट्स को प्रोफेसर कैलेगन ने उन लोगों को मारने के लिए यूज किया। हमें कभी साइंस का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए जैसे प्रोफेसर कैलेगन ने किया। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।